पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछले 5 वर्षों में बेगमबाग में हुई हिंदू विरोधी घटनाओं के बारे में बताया और बताया कि कैसे बेगमबाग उज्जैन के गले की फांस बन गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेगमबाग में राम भक्तों पर केवल पथराव नहीं हुआ वरन उन्हें घेर कर लठ लोहे की रॉड और सरिये से मारा गया। बताऊंगा कि उज्जैन के बेगमबाग में हुई वह घटना आकस्मिक नहीं थी, सुनियोजित थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी और आपके साथ मैं हूं अमन। पहले ये वीडियो देखिए। यह वीडियो बेगमबाग का है। सड़क से होते हुए राम भक्तों की रैली अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। वीडियो में देखिए कि तभी सुनसान सड़क पर अचानक 30 सेकंड में 50 से ज्यादा लोग आ गए। ये लोग घात लगाए बैठे हुए थे और अपने साथ पत्थर जमा करके रखे हुए थे। जैसे ही रैली वहां पहुंची, इन्होंने हमला कर दिया। पथराव करने वाले लोग मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे। ये दृश्य वैसा ही था जैसा 370 के निष्क्रिय होने से पहले जम्मू कश्मीर में आए दिन दिखाई देता था। इस वीडियो में देखिए कि जब मुस्लिम पुरुषों ने सामने से यात्रा को रोककर पथराव किया तो घर की छतों से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। यहां भी प्रश्न उठता है कि घरों की छतों पर इतने पत्थर, घरों में उपयोग किए जाने वाली फर्शियां कहां से आ गई और इन महिलाओं और बच्चों के मन में यह विष किसने घोला। और इस घटना का एक ऐसा पहलू जो राम भक्तों पर हुए इस हमले को केवल पथराव तक सीमित नहीं करता, वरन यह दंगों का षड्यंत्र था। यह षड्यंत्र था राम भक्ति के आनंद में डूबे, आनंद के अमृत में विष घोलने का। केवल पथराव नहीं, घातक अस्त्रों से राम भक्तों को मारा गया। यात्रा में घायल हुए एक दर्जन से अधिक। इन छात्रों के घाव के बारे में सुनिए और सोचिए कि यह कैसा षड्यंत्र है। प्रणय शर्मा, जिसे बेगमबाग चौराहे पर बदमाशों ने चारों तरफ से घेर कर हमला किया, कंधे से कोहनी तक हड्डी चूर चूर हो गई, ऑपरेशन करना पड़ा, पैर में भी फ्रैक्चर व चोट है। सागर बैरागी के सिर में 8 टाके आए हैं। करीब 5 से 6 बदमाश होटल नसीब के पास वाली गली में खींच कर ले गए और लठ पाइप और सरिया से हमला किया। हमलावर इतने आक्रोशित थे कि जिसको जो मिला उससे मारा। यदि भाई करण बैरागी व और लोग नहीं बचाते तो दिल्ली दंगों में जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी अंकित शर्मा के शरीर पर असंख्य चाकुओं के निशान मिले थे, शायद वैसे ही सागर की देह पर भी लठ रोड़ और सरियों के असंख्य निशान। करण बैरागी अपने भाई सागर को बचाने पहुंचा तो बदमाशों ने इन्हें भी घेर कर पीटा। सिर में करीब 40 टाके आए हैं, सिर में रॉड मारी है, हाथ फ्रैक्चर है, पैर व पीठ में भी चोट है। प्रमोद कौरव के हाथ पैर और कमर में चोट है। लोहे की रोड से हमला किया गया है। संस्कार मेहता के सिर में 8 टाके और पैर में चोट है। युवराज व्यास के सिर व हाथ में चोट है। नयन जोशी का हाथ फ्रैक्चर है। अभिषेक जोशी का हाथ फ्रैक्चर है। पीठ और पर पत्थर से
चोट आई है। भूपेंद्र सेन के हाथ व कान में भयंकर चोट है। राघव उपाध्याय के हाथ पर फर्श पर उपयोग की जाने वाली फर्सी। देवेंद्र प्रताप, योगेश आंजना, प्रणय अखंड, हर्षित शर्मा, श्रेयस भूदड़ा, ऋतिक जोशी, इनमें से किसी के हाथ पर फर्श में उपयोग किए जाने वाला पत्थर गिरा। किसी की पीठ पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले की दास्ता को सुनकर जब आपकी रूह कांप रही है तो सोचिए जिन निर्दोष राम भक्तों के साथ यह घटना घटी उनकी क्या स्थिति रही होगी। लेकिन मीडिया संस्थानों द्वारा केवल पथराव की घटना कहकर बात को समाप्त कर दिया गया। किंतु विचार कीजिए कि कैसे सुनसान सड़क पर 30 सेकंड में अचानक 50 लोग आ गए, मुंह पर रुमाल बांधकर पत्थरबाजी की। रुमाल सदा सबके पास नहीं होते, कैसे आए? उज्जैन को कश्मीर बनाने का षड्यंत्र किसका है? घरों की छतों तक पत्थर फर्सियां किसने पहुंचाई? महिलाओं और बच्चों के मन में यह जहर किसने भरा? सरिये, लठ व राड़ जैसे घातक हथियार कैसे आ गए, कहां से आए? प्रश्न बहुत है, उत्तर एक है, जागरण। सभी दुखों के अंत का मूल जागरण। यदि जागरण नहीं हुआ तो धार्मिक नगरी सदाकाल के लिए सो जाएगी। वे मंदिरों को ढहाएंगे। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई से प्राप्त पुराने विशाल मंदिर के अवशेष यह सिद्ध भी करते हैं। आपको, मुझे, हमें घरों से निकलने से पहले हेलमेट लगाने होंगे कि कहीं बाहर पत्थरबाजी ना हो जाए। साथ इन घरों के प्रशासन को जांच करनी चाहिए। पहले भी हुई घटनाओं में ऐसा हुआ है। शस्त्रों को जब्त करना चाहिए। बेगम बाग से किसी दूसरे षड्यंत्र का सूत्रपात तो नहीं हुआ, या पहले किसी षड्यंत्र का सूत्रपात तो यहाँ से नहीं हुआ, इसकी जांच करना चाहिए। बेगम बाग में भी दिल्ली के शाहीन बाग की तरह 81 दिनों तक एक सड़क को ब्लॉक करके धरना दिया गया था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बेगम बाग में पिछले 5 वर्षों में हुई एक दशक से बड़ी घटनाओं के बारे में बताया है। उनको भी देखिए और विचार कीजिए और सोचिए कि इनका हल क्या है। हल जागरण है और बहुत से हल बताए हैं। धन्यवाद।